फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज 17 अक्टूबर है और शाम का टाइम हो रहा है, तो इस टाइम का जो वेदर होता है इतना प्यारा होता है, गुलाबी ठंड का, ना ठंड होती है ना गर्मी होती है। तो इस टाइम सनसेट हो रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं छत पे ज़्यादा नहीं जाती हूँ, लेकिन आज का वेदर बहुत अच्छा है। तो बस ऐसे ही ऊपर छत पे चले गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था इस टाइम का वेदर। तो अल्लाह ताला की भी कुदरत कितनी अच्छी होती है, वाकई हर चीज़ कितनी खूबसूरत उससे बनती है, बस लगता है देखते ही रहें सनसेट इस टाइम। और आज मेरे घर में शाम को एक छोटी मोटी फंक्शन टाइप का है, क्योंकि अरमान के दादा मेरे फादर इन लॉ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो इसी वजह से कुछ लोगों को बुला करके उनको डिनर पे बुलाया है खाने पे, तो उसी की तैयारी हो रही है। इतनी ठंड थी ग्राउंड में, सर ने हम लोग को पीटी करवाया था। कैसे कराया था, कैसे क्या कराते हैं? एक बार फिजिकल एक्टिविटी, एक बार तो वो बोल रहे थे पैर जोड़ के ऐसे ऐसे जंप करो, जब वो सीटी बजाएंगे ऐसे पूरा ऐसे बैठ जाना, अरे ऐसे बैठ जाना, फिर बैठ कर। और उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट पीटी करी, 1 2 3। ये देखो ये पीटी बता रहे हैं, 5 जहां हम लोग भी ऐसे बोल करते थे पीटी, 8 8 7 6 5 4 3 2 1 हो गई पीटी पूरी, 5 तक करवाई थी। तो यहाँ पर जहाँ ले जा रहे हैं, जहाँ पे खाना बनने की तैयारी हो रही शाम की, तो यहाँ पर प्याज काटी जा रही है बिरयानी के लिए और चिकन बन रहा है। तो इसी सब चीज़ों की जुहान ने वीडियो बनाई कि मम्मा लाइए मैं बना देता हूँ, तो वो छोटी सी अपनी एक वीडियो बना करके ले आया, वो अपना काम करता ही रहता है। तो यहाँ पर चिकन विकन बन रहा था, सालन है, कोरमा है और बिरयानी है, काफ़ी अच्छा बना था खाना, तो वही है। और ये शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर टेबल वेबल सब लगा दी गई, तो और जो गेस्ट आए हैं तो उनको खाना ना खिलाया जा रहा था, और ये अरमान के दादा बैठे हैं तो उनको हार वार पहनाया गया लोगों ने। और उसके बाद फिर लेडीज़ में खाना खाया गया अम्मी लोग ने, और यहाँ पर फूफी हैं वो मिठाई खिला रही हैं अब्बू को, तो वो इमोशनल हो गई और रोने लगी। तो सारी फूफियाँ, जो तीनों फूफियाँ बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, तो कुछ भी होता है तो वो रोने लग जाती हैं। सही बात है, भाई बहन का प्यार ही ऐसा होता है। तो वो रोने लगी, तो सब ने कहा क्यों रो रहे, उम्रा पे ही जा रहे हैं, इंशाल्लाह 15 दिन में आ जाएंगे। तो अब्बू भी थोड़ा सा रुआसे हो गए, वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं और उनके भी आंसू निकल आते हैं। तो ये हो ही जाता है ऐसा माहौल कि सबके आंसू आ जाता है। और ये नेक्स्ट डे सुबह की क्लिप है, तो वो जा रहे थे और सब ने उनको हार पहनाया और फ़ोटो वोटो ली गई। तो इस टाइम का जो माहौल था बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा खुशी भी हो रही थी और गम भी हो रहा था कि वो जा रहे हैं 15 दिन के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका जो उम्रा है वो अच्छे से हो और अल्लाह पाक सबको तौफीक रखे अच्छे से उम्रा करने की और हज करने की। तो अल्लाह ताला से सब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग को, मेरे माँ बाप को, सब के माँ बाप को ये तौफीक अदा करें, आमीन। तो यहाँ पर जुहान अपने दादा के साथ फौरन आ जा कर के फ़ोटो लिए और हार पहनाया, तो ये बहुत अच्छा इस टाइम का टाइम था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये नेक्स्ट डे 18 अक्टूबर की क्लिप है, तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ आलू टमाटर की सब्ज़ी, और एक तरफ मैंने दूध बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो बस यही है कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अपना डेली रूटीन स्टार्ट हो गया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो आज फ्राइडे है और बज गया है 11 बजने वाला है, तो नहाने का टाइम भी हो रहा है। अब मैं इससे पहले वाला जो मैंने ब्लॉग डाला था उसके लिए आई एम सॉरी, बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि एडिटिंग करने के बाद जब अपलोड किया तो बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा था, जिससे आप लोगों को बहुत परेशानी हुई, सो आई एम सॉरी। और मुझे इतना अफसोस हुआ कि इतनी मेहनत से मैंने ब्लॉग अपलोड किया था आप लोग के लिए और सारा बेकार चला गया,
लेकिन उस पर भी आप लोगों ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और इतने अच्छे व्यूज़ आए उसके लिए, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत थैंकफुल भी लग रहा है और बहुत बुरा भी लग रहा है कि इतना ख़राब उसमें मैंने वो किया। तो अब इंशाल्लाह ऐसी शिकायत नहीं होगी और अच्छे से अपलोड होगा। जिस ऐप से मैंने किया उसमें ही बहुत ज़्यादा गड़बड़ी थी तो इस वजह से हो गया। तो चलिए अपना सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो जुमा की नमाज़ मैंने अदा की और इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जो वॉर चल रहा है ना, तो उसके लिए जितने भी मासूम बच्चे उन लोग की तो कोई गलती भी नहीं है, उनके साथ इतना बुरा हो रहा है, सारे खून से भरे हैं, उन लोगों को इतनी चोटें लगी हैं कि बता नहीं सकते। लेकिन वहाँ के बच्चे इतने ब्रेव हैं कि देखते ही बनता है। तो अल्लाह ताला ऐसी चीज़ से सबको वो करें और थोड़ी सी अकल दे, क्योंकि ये जो बदला वाली फीलिंग है ना, ये अच्छे नहीं रहती है और ये सिर्फ तबाही ला सकती है। तो अल्लाह ताला ऐसे जिन लोगों की इस तरह में अकल में पर्दे पड़े हैं तो उनको नेक हिदायत दे और अपने अपने बच्चों की हिफाजत करें, बस और कुछ नहीं। आमीन। तो बस यही है, दुआएं मांग रही थी मैं सब के लिए कि अल्लाह ताला जो भी हो सब खैर हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ शाम को बैगन का भरता। तो ये काफ़ी टाइम बाद मैं बनाने जा रही हूँ। गोल गोल बहुत अच्छे बैगन हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो यहाँ सबसे पहले मैंने बैगन को वॉश कर लिया है और उसके बाद मैं अच्छे से कट कर लूँगी, देखूँगी कि उसमें कीड़ा वीड़ा तो नहीं। कभी कभी ये होता है ना सीज़न के हिसाब से कि कभी कीड़ा होता है उसमें पता नहीं चलता। तो आप कभी भी बैगन का भरता बनाए तो उसको बीच से कट कर लीजिए और उसके बाद ही प्रेशर कुकर में रखिए। कुछ तो भून के बनाते हैं गैस पर, कुछ बॉयल करके बनाते हैं, तो मैंने आज सही से बॉयल करके ही बनाया। ये भी बहुत टेस्टी होता है। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया, उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाला, हल्का सा पानी डाला उसमें और 3-4 विसल ले लूँगी, उसके बाद फिर बंद कर दूँगी। तो यहाँ पर बैगन बॉयल हो गया है और उसको मैंने निकाल लिया है। तो इसी में मैंने नमक मिर्च जो भी है सब इसी में डाल करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और इधर टमाटर काटा है, प्याज काटी है, हरी मिर्च काटी है। तो इसको सबसे पहले मैंने टमाटर प्याज और हरी मिर्च को फ्राई कर लिया है। उसके बाद जब वो थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो गई तो फिर ये जो बैगन का भरता ना इसी में मैंने मिक्स कर दिया। लाइट बंद रहती तो इतना अंधेरा लगता है, लेकिन क्या करें, कीड़े भी इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लाइट बंद करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा कीड़े आ गए हैं इस टाइम पे। तो आजकल मुझे एक पाकिस्तानी सीरियल की लत लग गई है, मायरे बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा तो बहुत अच्छा भी होता है। तो बस ये है कि इतनी लत लग गई कि जैसे लगता है कि बस हर वक्त देखते रहें। इसी वजह से एक टाइम पर मैंने पाकिस्तानी ड्रामा छोड़ दिया था। बस ये होती क्रियोसिटी होती है क्या होने वाला है आगे, तो सारा काम फिर वो रखा रह जाता है और उसी में ही डूब जाता है, सारे काम पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो मैंने अब ख़त्म कर दिया है और टाइम से ही देखूंगी। तो जिनको भी पाकिस्तानी ड्रामा की लत है तो भैया बहुत अच्छे ड्रामे होते हैं, क्या करें, बस ये रहता है कि क्या होने वाला है आगे, क्या होने वाला है। तो बस लगता है ख़त्म हो जाए, इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, बस यही है जहान। तो ये शाम का टाइम हो गया है, बजिया 8, चाय वाय मैंने पी ली है और जहान पेड़ा खा रहा है और इनके दादा कल पहुंच भी गए हैं, परसों रात में पहुंच गए हैं। कल वीडियो कॉल पे बात भी हो गई थी सबकी, सब ठीक है। अब इंशाल्लाह आएंगे 13 डेज बाद, 15 डेज के लिए उमरा पे गए हैं। उमरा 15 डेज में ही होता है। हाँ, तो 15 डेज के ही बाद इंशाल्लाह आएंगे। और जुहान को बहुत याद आ रही है, अरमान को भी अपने दादा की बहुत याद आ रही है। कल कह रहा था कि मम्मा दादा चले गए, बहुत याद आ रही है, पागल है। और यहाँ पर बच्चे लोग आए हैं कोचिंग से, तो उन लोग भी बस शैतानी शुरू हो गई है और एक दूसरे को बस ये है कि कुछ ना कुछ गेम खेलते हुए भाग रहे हैं। और शाम का टाइम हो गया है तो मैं यहाँ पे लाइट्स ऑन कर दूं, लेकिन आजकल ये मौसम हो गया है ना कि लाइट चारों तरफ भी ऑन होती है तो इतने ढेर सारे कीड़े हो जाते हैं, तो ये दशहरे तक रहेंगे उसके बाद चले जाएंगे। तो बस हम लोग एक ही दो रूम की लाइट जला लेते हैं, बाकी सब बाहर की जला देते हैं जिसमें सारे कीड़े बाहर चले जाएँ। तो इस टाइम जो ग्राउंड है ना तो वहाँ पर इतने ढेर सारे कीड़े हो गए, तो वही मैं दिखा रही थी कितने कीड़े हो गए यहाँ पर।
तो यहाँ पे रात का टाइम हो गया है, करीब करीब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। लास्ट में बॉटल धो करके अच्छे से भर लूँगी, उसके बाद फिर ऊपर जाऊँगी रूम में सोने के लिए। और वाकई आज बहुत ज़्यादा सन्नाटा है, क्योंकि घर का कोई भी मेंबर एक भी चला जाता है ना, तो घर में बहुत सन्नाटा होता है। और घर के जो बड़े होते हैं वो तो वाकई घर की रौनक होते हैं, जब वो चले जाते हैं ना तब पता चलता है कितनी कमी लगती है। तो बस यही है, लग रहा है कि जल्दी से 15 डेज़ हो और आ जाए और बस अच्छा लगे। तो आई होप आप लोग को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। हमको भी दो अकेले अकेले मोमोज खाओगे जहान अरमान? ठीक है, बताएंगे बेटा।